इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले ओडीआई मुकाबले में हमें जो प्लेइंग 11 टीम इंडिया की देखने को मिले थे, तो उसमें रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल थे, विराट कोहली थे, श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल थे, शिवम दुबे थे, वाशिंगटन सुंदर थे, अक्षर पटेल थे, कुलदीप यादव थे, अर्शदीप सिंह थे और सिराज थे। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 काफी धाकड़ प्लेइंग 11 टीम इंडिया की थी। 230 रन जो है श्रीलंका की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए बनाई, जबकि वो जो पिच है जिस पिच पर मुकाबला था उस पिच की अगर प्रेमदासा पिच के बारे में बात की जाए तो वहां टीम इंडिया ने 375 रन 375 रन सबसे हाईएस्ट रन जो है वो इंडिया का है। और उस पिच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 50 रन पे ऑल आउट किया था। उसके बाद भी मुकाबला टाई हो गया, उसके कारण रोहित शर्मा काफी ज्यादा नाराज दिखे। और क्योंकि मुकाबला जो भारत आसानी से जीत सकती थी, लेकिन एक बॉल था जिस बॉल पर विकेट जो है नौ गिर गया था और अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, एक रन चाहिए था और अर्शदीप सिंह छक्का लगाना चाहा और वो आरबीडब्ल्यू हो गए। अगर अर्शदीप सिंह एक रन लेकर के मुकाबले को जिताना चाहते तो जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सिक्स लगा के मुकाबले को जिताएंगे तो वहां जो है प्लानिंग फेल हो गई। तो अब जो है अब सेकंड ओडीआई के लिए स्क्वाड में आपको भारी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस क्या देखने को मिल सकते हैं? शिवम दुबे को रिप्लेसमेंट किया जा सकता था और किया जा सकता है, और शिवम दुबे की जगह आप लोग को जो है रियान पराग देखने को मिल सकते हैं। वहीं विकेट कीपिंग में केएल राहुल की जगह आप लोग को ऋषभ पंत देखने को मिल सकते हैं, और गेंदबाजी में बदलाव हो सकता है। गेंदबाजी में भी खलील अहमद को मौका दिया जा सकता है, लेकिन खलील अहमद को अगर मौका मिलेगा तो सिराज की जगह ही मौका मिलेगा, या फिर अर्शदीप की जगह भी आप लोग कह सकते हैं कि खलील अहमद को भी मौका दिया जा सकता है। तीन बड़े बदलाव जो है वो सेकंड ओडीआई के लिए रोहित शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा हमेशा अपने प्लेयर को एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अभी बायलैटिकल सीरीज चल रहा है, और बायलैटिकल सीरीज में अगर रोहित शर्मा भी जो है अपने प्लेयरों को मौका देंगे और टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है जब चैंपियंस ट्रॉफी होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में फिर अपने प्लेयरों को रोहित शर्मा जो है वो टेस्ट कर पाएंगे और खेला पाएंगे, जिसके कारण केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है। वहीं शिवम दुबे की जगह रियान पराग को जो है वो चेंज किया जा सकता है, और साथ में हर्षित राणा भी है, और हर्षित राणा भी अच्छे गेंदबाज हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो प्लेइंग यानी सेकंड प्लेइंग 11 जो होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, उसमें आप लोग को भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे आप लोग जो कमेंट कर बताएं कि आप लोग के हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या होगी। फिर मिलते हैं दूसरे को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।